राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार सुबह 9:30 बजे हेलीकॉप्टर से उज्जैन आएंगे। वे कालिदास संस्कृत अकादमी में सुबह 10:30 बजे होने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होकर महाकालेश्वर मंदिर पूजन करने जाएंगे। दर्शन उपरांत सर्किट हाउस में भोजन कुछ देर आराम करेंगे और शाम तकरीबन 5 बजे इंदौर रवाना होंगे। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने राष्ट्रपति की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कुछ इंतजाम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं और कुछ को सुरक्षा कारणों से गोपनीय रखा गया है। हेलीपैड से कालिदास संस्कृत अकादमी और अकादमी से महाकालेश्वर मंदिर और मंदिर से सर्किट हाउस पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, इसका पूर्वाभ्यास शुक्रवार को कलेक्टर SP ने 35 वाहनों का काफिला निकाल कर किया। काफिले में सबसे आगे फॉलो वाहन, पीछे झेमर वाहन, VVIP वाहन और अन्य वाहन सम्मिलित थे। हेलीपैड की मजबूती हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराकर जांची। पूर्वाभ्यास के दौरान कई मार्गों को बंद कर देने से लोगों को परेशानी हुई। वैकल्पिक मार्ग से गुजरने के कारण उन्हें गंतव्य पर पहुंचने में समय अधिक लगा। हरी फाटक ब्रिज सहित विभिन्न वैकल्पिक मार्गों पर ट्रैफिक जाम लगा। सड़क मार्ग पर 50 मीटर की दूरी पर वर्दी में और सादी वर्दी में पुलिस के जवान तैनात कर दिए हैं। अफसरों का कहना कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में त्रिस्तरीय घेरा रहेगा। राष्ट्रपति जिन मार्गों से गुजरेंगे उन मार्गों पर बने होटल एवं धर्मशालाओं की चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्ता कार्यक्रम स्थल पर बार बार जाँच कर रहा है। CCTV कैमरे और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति सम्मिलित होंगे उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति देवास रोड स्थित नागगिरी पुलिस लाइन में बने हेलीपैड से सर्किट हाउस से कोठी रोड होकर कालिदास संस्कृत अकादमी पहुंचेंगे। यहां कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद अकादमी से पुनः कोठी रोड, देवास रोड, नागगिरी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रोड होकर इंदौर रोड, महामृत्युंजय द्वार, हरी पाटक ब्रिज के नीचे से जंतर मंतर नरसिंह घाट मार्ग होकर हरि सिद्ध मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर होकर महाकाल मंदिर, वापसी भी इसी मार्ग से होगी। ये पूरा मार्ग राष्ट्रपति के आगमन से 2 घंटे पहले बंद रहेगा और उनके निर्गम के करीब घंटे भर बाद खुलेगा। यानी कि इस बीच पूरा मार्ग आइसोलेटेड होगा, जिसमें किसी भी शख्स को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रास्ते बैरिकेड लगाकर बंद कर दिए जाएंगे।